नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी गार्डनिंग भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए, ये गेंदे के फ्लावर्स हैं, बहुत ही अच्छे से ये ब्लूम कर रही हैं। ये प्लांट मेरे बच गए क्योंकि ये थोड़े शेड में रह गए हुए थे और ओलों की मार से ये पौधे जो थे बच गए। बाकी पौधे जो थे फ्लावरिंग के वो ख़राब हो गए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सुबह सुबह आई हूँ और अब आप ये देख सकते हैं बारिश का मौसम बना हुआ है और मैं फिर से घबरा गई क्योंकि अभी भी बड़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, काले काले बादल जो है ना वो छाए हुए हैं और मुझे वही सुबह याद आ गई जब ओलों की वजह से मेरे गार्डन की जो हालत थी वो काफ़ी ख़राब हो गई। और आज मुझे एक बार फिर से वही डर जो है वो लग रहा है कि उस टाइम पर भी बहुत नुकसान हुआ था और अभी भी मेरा गार्डन दूसरी साइड पर काफ़ी बिखरा हुआ, मिट्टी मैंने बिखेर के रखी हुई है और मैं जल्दी जल्दी से उसको समेटना चाहती थी। सोचा आपको एक शॉर्ट अपडेट देती चलूँ कि पौधों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये अगे प्लांट है। अगे प्लांट एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसकी लीव्स भी काफ़ी कड़क होती हैं, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। लेकिन ये देखिए फ्रेंड्स, ओलों की वजह से ये कितनी ज़्यादा जो इसकी लीव्स थी वो भी ख़राब होगी। पौधों की ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो वो भी काफ़ी ख़राब चल रही है, कोई अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही। जबकि ये एक मौसम बहुत अच्छा मौसम होता है, यहाँ पर पौधों की जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छे से चल रही होती है क्योंकि विंटर भी स्टार्ट नहीं है। और यहाँ पर मैंने दिखाया अभी आपको कि ये यूफोर्बिया मिली के पौधे किस कदर जो है वो डैमेज हो चुके हैं, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। और इन पर वर्क करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि कांटों से भरा हुआ ये पौधा होता है और इनसे एक एक लीफ निकालना भी संभव नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं दूसरे पौधों की ग्रोथ के बारे में बताऊँ तो ये मेरे चांदनी के प्लांट है, इनकी हालत देखिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये डेविल बैक बोन है, ये बिल्कुल ही ख़राब हो चुका हुआ है। और भी पौधों की हालत जो है वो ख़राब चल रही है, यानी कि गार्डन जो है वो बिल्कुल खाली हो चुका हुआ। इस टाइम मेरे गार्डन में काफ़ी जो फ्लावर्स है वो ब्लूम कर रहे होते हैं, लेकिन इस टाइम मेरा गार्डन अब आप देख ही सकते हैं किस कदर खाली हो चुका हुआ है। और अब आप हवाएं जो है वो बड़ी तेज़ चल रही हैं और मैं जल्दी जल्दी से जो सीडलिंग है वो कवर कर लेती हूँ, अदरवाइज़ वो भी ख़राब हो जाएंगी। मैं चलती हूँ फ्रेंड्स दूसरे हिस्से में, बताती हूँ कि किस कदर बिखरा हुआ है सब। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिट्टी भी बिखरी हुई है और पॉट्स भी मैंने ऐसे रखे हुए हैं। सीडलिंग वगैरह मैंने करी थी तो मैंने सोचा मैं इनको कुछ पॉट्स जो हैं उनको मैं शिफ्ट कर देती हूँ, इंडोर रख देती हूँ, क्योंकि अगर बारिश बहुत ज़्यादा अगर तेज़ होती है तो फिर ये भी ख़राब हो जाएंगे। हल्की फुल्की बारिश हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती पौधों को, लेकिन अगर उस तरह की बारिश अगर होती है तो फिर तो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो मेरे पौधों को होगा। और अब आप पीछे से आवाज़ें सुन रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे सामान लोगों के गिर रहे हैं, हवाएं तेज़ चल रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको अपडेट दूंगी कि किस तरह का मौसम रहा। तो इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ किसी और दिन किसी नई वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।